एक्चुअली ना मूवी जब स्टार्ट हुई तो थोड़ी सी अच्छी लगी, बीच में काफ़ी आफ्टर जो है आफ्टर हम बोल सकते हैं इंटरवल काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई, वो सीन थोड़े से कट आउट हो सकते थे, बट ऑल ओवर अच्छी रही मूवी। क्या कह रहे थे ऐसा सर्वाइवल ड्रामा काफ़ी टाइम के बाद देखने मिले, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा था? देखो अगर इसमें हम एक्टर की बात करें ना तो सलार के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें उनका देखने को मिला, किस तरह से उनकी एक्टिंग थी, जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से उन्हें स्क्रीन पर प्ले किया गया वो काफ़ी मतलब बोलते हैं बहुत ही अच्छा था। खास करके देखा जाए तो साउथ एक्टर जो होते हैं रोल्स के लिए बहुत डेडिकेशन ले लेते हैं, जैसे कि हमने आई फिल्म में देखा था कि उस एक्टर ने इतने अपने आप को श्रिंक कर दिया था, इवन रणदीप हुड्डा हैज श्रिंक हिमसेल्फ टू यू नो बी इन द टू गिव अ यू नो काइंड ऑफ परफॉर्मेंस टू द ऑडियंस, एंड नाउ दिस कृतिका सुकुमारन इज डूइंग दैट, व्हाट यू कैन से अबाउट हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज कैरेक्टर। फिर रिसेंटली अभी जितनी मूवीज़ देखने को मिली है, हम चाहे क्रैक देख लें, चाहे वीर स्वतंत्र वीर सावरकर देख लें, इसमें ना हमें एक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। उसके बाद जो ये फिल्म आई है सलार के बाद पृथ्वीराज का, तो एकदम कहते हैं डिफरेंट लुक देखने को मिला है, जिस तरह से उनका लुक था, जिस तरह से उनको यू नो कह सकते बहुत ही नेचुरली उसको टच दिया गया था, काफ़ी बारीकी पर काम किया गया है, तो सुपर इसमें एक लीड एक्ट्रेस भी है, उनका बट खेल ज़्यादा बट पेयरिंग कैसी लगी उनकी? काफ़ी अच्छी लव स्टोरी, मतलब आई गेस थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, बीच बीच में थोड़ी सी लव स्टोरी और दिखाते तो थोड़ा इंटरेस्ट आ सकता था, बिकॉज इंटरवल के बाद ना काफ़ी ज़्यादा स्लो दिखाई दिया और एक ही चीज़ हम कब से देखते देखते जा रहे, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट वहाँ पे कम हो गया। इमोशंस कितने बरबर के फिल्म में डाले? इमोशन मतलब कह सकते हैं सर, रुलाने वाला तो इमोशन नहीं था, बट हाँ आपको एक जो रियल चीज़ होती है जिस तरह के फ्रॉड्स होते हैं उसे सोचने के लिए आपको डेफिनेटली मजबूर कर देगा और आप उसे सोचेंगे। जिस तरीके से इस फिल्म का टाइटल है बकरे की जिंदगी गोट, हाँ टाइटल की बात करें ना तो ऑब्वियसली लाइक द गोट लाइफ जैसा उसमें टाइटल दिया है, उस एक्टर की यानी पृथ्वीराज की पूरी लाइफ वैसे ही बन के रह गई है पूरी फिल्म में। लोगों को पसंद आया कि फिल्म देखते? देखो अगर आपको रोमांस और ड्रामा देखना है तो ऑब्वियसली ये फिल्म आपको नहीं पसंद आने वाली है, लेकिन आप किसी रियल बेस्ड स्टोरी को ज़्यादा फोकस करते हैं तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। नहीं ऐसा तो नहीं है, ऑब्वियसली इतनी सारी फिल्में आई हैं, थोड़ी बोल सकते हैं थोड़ा और एक्सपेक्टेशन था जो हो सकता था अगर आफ्टर इंटरवल, बट ओके ठीक है। थ्री स्टार्स लोगों से ये कहेंगे कि आप ये फिल्म देखिए, इसलिए नहीं क्योंकि आपको इन एक्टर की फिल्म अच्छी लगती है, इसलिए क्योंकि आपको ये फिल्म देखने के बाद एक ऐसे स्कैम एक ऐसे फ्रॉड के बारे में जानने को मिलेगा जो मोस्टली आजकल इंडिया में और अदर कंट्री में हो रहा है। थैंक यू। फाइनल फिल्म देखी गोट लाइफ, अच्छी लगी, बहुत अच्छी फिल्म है, देखने लायक पिक्चर है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन ये फिल्म में मतलब थोड़ी लंबी पिक्चर जो फिल्म जरूर है लेकिन ये बांध के रखती है और हर सीन में लगता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, ये तो जिज्ञासा जो है फिल्म को अच्छा बनाती है। फिल्म का जैसे कि देखा जाए तो एक फिल्म रियल इंसिडेंट पे बेस्ड फिल्म है। जी हाँ जी हाँ जी। कितने अच्छे तरीके से पृथ्वीराज सुकुमारन ने उस भूमिका, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, कैसा जिया है उन्होंने इसमें? बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं आया, रियल कैरेक्टर रहा बिल्कुल, जिनका पेन जो उसको जो दर्द एक तरह से दिखाने का प्रयास किया है बहुत अच्छे ढंग से पेश किया उसको, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें कोई कमी रही हो। इमोशंस को किस तरीके से बताया गया? इमोशंस ऐसे हैं कि कभी कभी हमको भी आंसू आ जाते हैं, हम उसमें खो जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम दर्द हम झेल रहे हैं दर्द और हमारे ऊपर ही हो रहा है ऐसा, या हम उसके आस पास हैं ऐसा लगता है हमको। क्या कहना रहेगा बाकी ए आर रहमान का म्यूजिक इस फिल्म को है उसके बारे में क्या कहना? अच्छा अच्छी पिक्चर है, रहमान जी का म्यूजिक भी अच्छा है और बाकी चीज़ें अच्छी, निर्देशन भी अच्छा है और सबका काम अच्छा लगा और फिल्म अच्छी लगी। लोगों को पसंद है कि नहीं? जी हाँ जी हाँ। क्या स्कोर रहेंगे 5 में से आपके? मैं 5 में से 4 नंबर दूंगा इसको। गॉड लाइफ मतलब कि जिस तरीके से मूवी को उन्होंने बनाया है, एक ट्रू स्टोरी कहानी है, जिस तरीके से हिंदुस्तान से कुछ लोग सऊदी अरबिया जाते हैं कमाने के लिए, मतलब कि 2 रुपये कमाने के लिए जाते हैं, अपने फैमिली को हेल्प करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग जाते हैं और फंस जाते हैं। ये मैंने बहुत पहले भी सुना करता था कि यार लोग जाते हैं वहाँ पर और बोले तो उनको बुलाएंगे कि इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम है और वहाँ पर उनको बकरी चलाने के लिए दे देते हैं, तो उसको लेके कहानी है मूवी के अंदर। पृथ्वीराज सुकुमारन की बात करें तो उनको उनका काम देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया ना, उस अजीज जैसे कुछ नाम है उनका कैरेक्टर का, जिस तरीके से उस ज़िंदगी को उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया है ना, मैं बोलूँ ना पृथ्वीराज कुमार से बेटर कोई दिखा नहीं सकता था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया है। और मैं आपको ये भी बोलूँगा कि ये मूवी में आपको पानी को लेकर एक बहुत मैसेज है, अब देखोगे कि बहुत जगह पर नल चालू कर देते हैं लोग, अब फ़ोन में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं और पानी बहता रहता है, तो एक एक बूंद का जो
वैल्यू है ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो पानी को वेस्ट मत करो, पानी बचा के रखो, क्योंकि यार पानी का जो वैल्यू है ना ये आपको देखने को मिलेगा। इस मूवी में एक सीन है जहाँ पे उनका दोस्त पानी के जरिए मर जाते हैं, वो यार वो सीन देख के ना आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि मैं खुद मेरे आंखों में आंसू, मेरा इमोशन हो गया था अंदर से, बोला यार क्या मूवी है ये। तो यार आप इस मूवी को मूवी समझ के मत देखो, एक ट्रू कहानी है। ये मत देखो कि इसके लेंथ ज़्यादा है या क्या ज़्यादा है, इसको कट करना चाहिए, ये मत देखो। ये देखो कि मूवी को अंदर वो मैसेज क्या देना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान भाई बहन लोग जो वहाँ पर जाते हैं कैसे फंस जाते हैं वो, तो ये मूवी एक मैसेज भी देती है। ओके, क्या लगता है जिस तरीके से हमने देखा है कि इस फिल्म के लिए एआर रहमान का म्यूजिक वगैरह कितना सूटेबल फिल्म म्यूजिक का? देखिए एआर रहमान की बात करें तो उनकी म्यूजिक जहाँ पर आ जाती है वो सुपरहिट हो जाती है। जब रेगिस्तान में ये लोग जब जाते हैं तीनों लोग, तो एक गाना वहाँ पे चलता है, मतलब वो गाना सुन के ना आपके गुजबम आ जाएंगे शरीर में। तो गाने भी अच्छे हैं, म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि आप इस मूवी को मिस मत करना, क्योंकि ऐसी ऐसी फिल्में ना 10 साल 20 साल में एक बार बनती है। व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5? रेटिंग मैं 5/5 दूँगा। और सुकुमारन सर को लिए भाई स्टार दे दो आसमान।